आप सभी को सुप्रभात। मैं रोज लकड़ा अलग्राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्र अध्यापिका हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, बालक पढ़ रहा है, बच्चे जा रहे हैं, बालक खेल रहा है। यहाँ पे खेल रहे हैं, पढ़ रहा है, जा रहे हैं, बालक खेल रहा है, ये सभी क्रिया को दर्शाते हैं। यहाँ पे किसी काम को होने या करने का पता चलता है। आइए हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग क्रिया के भेद के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे।